नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड पावर सिस्टम का जो हमारा लास्ट एपिसोड था, अभी तक हम उनमें कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस, ठीक है जी, ये हम लोग देख चुके हैं। मतलब जो लाइन पैरामीटर होते हैं उनको हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आज का जो एपिसोड है वो एक नया चैप्टर है बेसिकली, और उसमें हम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आज आप हेडिंग डाल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है जी। तो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं सुनिए। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसमें टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है जी। तो उसके बाद हम इसमें तीन टाइप होती हैं बेसिकली, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग, ठीक है। तो तीनों के ऊपर एक थ्योरी बनाएंगे, ठीक है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिएंट के बारे में, ट्रांजिएंट ऑन ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है। और जो लास्ट स्टेज होगी उसमें हम कंपनसेशन करेंगे, ठीक है जी। तो ये इस तरह से चैप्टर रहेगा। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपना परफॉर्मेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में पहला टॉपिक, विच इज टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, हाँ जी। तो देखिए, तो हमारे यहाँ पे हम तीन तरह की ट्रांसमिशन लाइन जो टाइप हम कैटेगराइज करते हैं वो लेंथ के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू लेंथ हमारे पास तीन तरह की कैटेगरी होती है। कौन सी? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दूसरी आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और तीसरी है आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो तीन तरह की हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन होती है दोस्तों। अगर मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं तो लेंथ जो होगी दैट इज मे बी लेस देन इक्वल टू 80 किलोमीटर, कुछ बुक्स 100 किलोमीटर भी लिखती है, तो आप 100 किलोमीटर भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो लेंथ है मेरी दैट इज ग्रेटर देन 100 किलोमीटर, लेस देन 250 किलोमीटर, ग्रेटर देन 100 किलोमीटर, लेस देन 250 किलोमीटर, उसको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में काउंट करते हैं। और अगर लेंथ मान लीजिए मेरी ग्रेटर देन 250 किलोमीटर होगी तो उसको हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे, ठीक है ना। अब जो भी हम ये दो जो मैंने बताया, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इसके लिए हम लम्प्ड सर्किट का यूज करेंगे। अब ये लम्प्ड सर्किट क्या होते हैं, लंपिंग क्या होती है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, लम्प्ड सर्किट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट। लंप्ड सर्किट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई लंबी लाइन है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उस लाइन के रेजिस्टेंस निकाल लिए, इंडक्टेंस निकाल लिए, कंडक्टेंस कैपेसिटेंस निकाल लिए, ठीक है, और सबको आपने एक सिंपल सर्किट में दिखा दिया, भी लाइन का ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस, पूरा लंपिंग कर दी, जैसे आप नेटवर्क थ्योरी में पढ़ते हो, ठीक है ना। नेटवर्क थ्योरी में क्या होता है, जो सर्किट होता है उसके हर एक एलिमेंट का, जैसे ट्रांसफॉर्मर को आपने किया था ना, ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट डायग्राम आपने बनाया था, और लंप्ड डायग्राम था, आपने हर एक चीज़ की लंपिंग कर दी एक जगह पे, उसका इक्विवेलेंट, उसका मतलब मॉडलिंग टाइप ऑफ आप कह सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट का क्या मतलब होता है, आप ये बोल सकते हो कि लाइन क्योंकि बहुत लंबी है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि उसके हर एक कैपेसिटेंस को, उसका पूरे कैपेसिटेंस को या पूरे इंडक्टेंस को आप एक जगह पे दिखा सको, ठीक है। उस केस में पैरामीटर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड यूज़ करने पड़ेंगे। उसका एक रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या रीज़न है, ऐसा हम क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट में हम इसको पढ़ेंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पे थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट होगी इस कंपैरिजन में, ये थोड़ा सा सिंपल है कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो पहले चलिए इन्हीं को पढ़ते हैं, ठीक है, और जरा देखते हैं कि कैसे हम इनके ऊपर थ्योरी बनाते हैं और इनकी क्या परफॉर्मेंस होती है। सबसे पहले देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है जी। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि लाइन में चार चीज़ें हम देखते हैं, लाइन के अंदर हमने चार चीज़ें कैलकुलेट की, क्या, एक हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, एक हमने इंडक्टेंस कैलकुलेट किया, कैपेसिटेंस और एक कंडक्टेंस,
चार चीजें कैलकुलेट की. रेजिस्टेंस जो होता है वो अलोंग द वायर होता है, ठीक है, लेंथ रो एल बाई ए के हिसाब से होता है. इंडक्टेंस जो होगा वो भी क्या होगा बताओ जरा, वो भी आपकी लेंथ के हिसाब से. अगर मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, कोई लाइन है मेरे पास और उसमें करंट आ रहा है, तो उसके चारों ओर क्या आ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ जाएंगी और उनकी वजह से क्या बनेगा, उसका इंडक्टेंस बनेगा. कैपेसिटेंस क्या होता है बताओ, दो वायर के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और ये कंडक्टिंग वायर है तो चार्ज कुछ स्टोर हो जाएगा और क्यू दैट चार्ज स्टोर डिवाइड बाई वोल्टेज, ठीक है, वो क्या होता है आपका कैपेसिटेंस, ठीक है ना. बट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम सी और जी को काउंट नहीं करेंगे. क्यों भाई, जी किसकी वजह से होता है, कंडक्टेंस, ये लीकेज चार्ज की वजह से होता है, जो चार्ज यहां से लीक करके इधर आ जाता है, ठीक है, लीकेज चार्ज, और वो बहुत ही कम होता है. और अगर लाइन की लेंथ बहुत छोटी है तो आप ये कह सकते हो कि भाई लीकेज आपका नेग्लिजिबल होगा, ठीक है ना, तो लीकेज तो खैर है ही नहीं, आप ये बोल सकते हो. सी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस भी आप नेग्लिजिबल लोगे. क्यों, क्योंकि लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं है, जो कंडक्टिंग प्लेट, जो कंडक्टिंग वायर है उनकी लेंथ बहुत छोटी, उनके डायमेंशन बहुत छोटी है, तो आप ये कह सकते हो कि जो कैपेसिटेंस होगा वो आपका वेरी पुअर होगा, ठीक है. तो उसकी वजह से जो कैपेसिटी रिएक्टेंस आएगा इनके बीच में, अगर आप इनके बीच में कैपेसिटेंस दिखा रहे हो मान लीजिए, ठीक है, तो उसकी वजह से जो उसका रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटी रिएक्टेंस, वन अपॉन में जे ओमेगा सी, बिकॉज सी इज वेरी पुअर, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी बताओ जरा, वेरी लार्ज. तो आप इसको ओपन ही दिखा दो ना, ठीक है, कोई करंट नहीं आता कैपेसिटेंस की वजह से, क्योंकि लाइन बहुत, लेंथ बहुत छोटी है. इसलिए हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस को नेग्लिजिबल मानेंगे. किस केस में बताइए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में, ठीक है, अगर लाइन मेरी शॉर्ट है तो हम लोग उसका अफेक्ट नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है भाई. तो चलिए दोस्तों, अगर मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को अब रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो क्या उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का रिप्रेजेंटेशन ये होगा, ये इकट्ठा आर है पूरी लाइन का और उसकी लंपिंग कर रखी है मैंने, ठीक है, और ये मेरा इकट्ठा एल है पूरी लाइन की, उसकी हमने लंपिंग कर रखी है, ठीक है जी. तो अब ये जो इंपीडेंस बना वो बना आर और ये बन गया जे ओमेगा एल. अब ये आर क्या है, देखो एक स्मॉल आर लिख लेता हूं मैं, दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर मीटर आप बोल दो या पर किलोमीटर ले लो. अब आप जितने भी लेंथ है आपके पास उससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो कैपिटल आर आ जाएगा. ऐसे कैपिटल एल जो होगा वो क्या होगा, ये पूरा इंडक्टेंस है, ठीक है ना. वैसे तो आपको इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ पता है तो उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या आ जाएगा आपके पास, पूरा इंडक्टेंस आ जाएगा. और इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये पूरा इंडक्टेंस है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, लाइन का. तो ये मेरे पास लाइन है भाई, ठीक है, ये मेरे पास लाइन है, करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है. अब सुनो, ये मेरे पास सेंडिंग एंड वोल्टेज है और यहां पे सेंडिंग एंड करंट है, और यहां पे मेरे पास रिसीविंग एंड वोल्टेज है और रिसीविंग एंड करंट है, ठीक है भाई. तो ये काइंड ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क बन गया, ये दो पोर्ट हो गए, एक इनपुट पोर्ट और एक आउटपुट पोर्ट, ठीक है. अब इसको एनालाइज करने के लिए जितने भी ट्रांसमिशन लाइन आएंगे आप देखिएगा, हर एक लाइन ऐसे होती है, एक सेंडिंग एंड होता है और एक आपका रिसीविंग एंड होता है, जैसे मीडियम लॉन्ग जो भी आप पढ़ोगे आगे, ठीक है, सब में ऐसा ही होगा. तो मैं इसको एक टू पोर्ट नेटवर्क की तरह अज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है. और इसको एनालाइज करने के लिए मैं, आपने एक पैरामीटर पढ़ा होगा नेटवर्क थ्योरी में, ट्रांसमिशन पैरामीटर, टी पैरामीटर, या फिर आप बोल सकते हो एबीसीडी पैरामीटर, मैं उसका सहारा लूंगा इसको एनालाइज करने में, ठीक है जी. अब वो क्या होते हैं एबीसीडी पैरामीटर, थोड़ा सा वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूं सो देट आपको आइडिया लग जाए. जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई टू पोर्ट नेटवर्क है, मेरे पास मान लीजिए कोई टू पोर्ट नेटवर्क है, ये मेरे पास सेंडिंग एंड वोल्टेज है और ये सेंडिंग एंड करंट है, और यहां पे रिसीविंग एंड वोल्टेज है और ये रिसीविंग एंड करंट है. अब मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, यहां पे मैं, बोलिए, सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट को रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड करंट की टर्म में लिख सकता हूं. कैसे, अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो क्या बनेगा बताओ जरा, वी एस इज इक्वल टू ए, बोलिए, वी आर प्लस बी आई आर. सिमिलरली आई एस इज इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर, क्या कहते हो, ठीक है. अब अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं
तो जरा देखिए ये कुछ इस तरह का बनेगा, ए बी सी डी, और यहां पे क्या मिलेगा, वी आर एंड आई आर, कुछ इस तरह का मिलेगा दोस्तों, करेक्ट है, ये कुछ इस तरह का होगा, बोलो कोई दिक्कत है तो ये जो चीज है मेरी, इनको हम क्या बोलते हैं, ए बी सी डी पैरामीटर, ठीक है, इनको ए बी सी डी पैरामीटर, जो कोफिशिएंट्स हैं इनको ए बी सी डी पैरामीटर बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको टू पोर्ट पर एनालाइज किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा मैं एक बात बता दूं, अगर ये नेटवर्क सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक कब होता है बताओ जरा, अगर किसी एक्सिस के अबाउट ये मिरर इमेज है, ठीक है, जैसे कि ये है, ये सिमेट्रिक है, आप बोलोगे कैसे सर, ऐसे तो एक्सिस लगाएंगे तो आर एक तरफ हो जाएगा, ओमेगा एक तरफ हो जाएगा, नहीं नहीं, इसको हाफ एक तरफ दिखा दो, हाफ एक तरफ दिखा दो, मतलब आर प्लस जे ओमेगा बाई टू एक तरफ दिखा दो और बाई टू एक तरफ दिखा दो, इसको इस तरह से दिखा दो ना, जेड बाई टू एक तरफ एंड जेड बाई टू एक तरफ, ठीक है। अब देखिए, अब ये एक्सिस जो है इसके अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है, तो अगर मेरा सिमेट्रिक होता है तो मैं ये बोल सकता हूं ए इक्वल टू क्या होगा, डी, और अगर मेरा ये नेटवर्क रेसिप्रोकल है, अगर ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल कब होता है बताओ, जब केवल आर एल सी जी से मिलके बनाओ, ठीक है, कोई सोर्सेज ना हो, ठीक है, डिपेंडेंट सोर्सेज वगैरह, तो अगर नेटवर्क मेरा रेसिप्रोकल है तो मैं बोल सकता हूं ए डी माइनस बी सी इक्वल टू वन, सही है भाई, ये आपने पढ़ा होगा नेटवर्क थ्योरी में। अब वही चीज हम यहां पे यूज करेंगे, देखो ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने के लिए हम ज्यादातर ए बी सी डी पैरामीटर का हम यूज करते हैं, ठीक है ना, तो देखते हैं कैसे इनका हम यूज करें, किस तरह से इसका यूज होता है वो हमें समझना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि मैं कहां से चीजें उठाऊंगा आप आगे। हाँ तो जरा देखिए दोस्तों, फिलहाल मेरे पास ये सर्किट है, ठीक है, वी एस आई एस वी आर आई आर, ठीक है जी। तो अब यहां पे अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो आप बोलिए वी एस इज इक्वल टू क्या बनेगा, वी आर प्लस, ये वी आर है, प्लस बोलिए क्या बना, आई आर इंटू जेड, क्या कहते हैं, वेयर जेड इज आर प्लस जे ओमेगा एल, ठीक है भाई, ये बन गया। अच्छा आई एस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई आर, आई एस इज इक्वल टू आई आर बन जाएगा। तो अगर मैं इसके एबीसीडी पैरामीटर निकालूं तो बताओ क्या बनेंगे, वी एस आई एस, अगर मैं इसके एबीसीडी पैरामीटर निकालूं तो क्या बनेंगे, वी आर आई आर, बोलिए एबीसीडी पैरामीटर निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये वन बनेगा, ये जेड बनेगा, ये जीरो बनेगा और ये वन बनेगा, ठीक है, ये आ जाएंगे एबीसीडी पैरामीटर, बोलिए कोई दिक्कत है, ठीक है जी। इस तरह से हम इसके ए बी सी डी पैरामीटर निकालेंगे। चलिए अब ए बी सी डी पैरामीटर का यूज करके हम इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, कैसी परफॉर्मेंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, आपका पावर के बारे में आप देखिएगा, आगे हम पावर फ्लो भी हम देखेंगे कि पावर फ्लो कितना होता है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैं रब कर दूं, देखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि इस लाइन के एबीसीडी पैरामीटर क्या आएंगे। अच्छा आप यहां पे ये भी देख सकते हो कि ए इक्वल टू डी है और ए डी माइनस बी सी क्या है, वन, इसका मतलब ये नेटवर्क कैसा है बताओ, ये जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है कैसी होती है, सिमेट्रिक एंड रेसिप्रोकल, ठीक है, दोनों आप इसको बोल सकते हो। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर वोल्टेज रेगुलेशन की, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगी, वोल्टेज रेगुलेशन। अच्छा किसी को अगर ये डाउट हो कि सर ये आईआर कैसे आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोड लगा हुआ है भाई, ठीक है, यहाँ पे लोड लगा हुआ, बिना लोड थोड़ी ना करंट आएगा, ठीक है। हाँ जी वोल्टेज रेगुलेशन देखते हैं क्या होती है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगी दोस्तों, और परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन भी आप निकाल सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, बट होती क्या है ये, मतलब नो लोड से जब आप लोड लगाते हो इधर तो कितना यहाँ की वोल्टेज में बदलाव आता है, ठीक है, वो होती है। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा बताओ जरा, वी आर एट नो लोड मैग्नीट्यूड माइनस, बोलिए वी आर एट लोड डिवाइड बाई वी आर रेटेड, ठीक है भाई, ये मेरी वोल्टेज रेगुलेशन होती है। परसेंटेज करना है तो इनटू 100 कर दीजिए, यहां पे मैग्नीट्यूड लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बात और सुनिए, जनरली वोल्टेज रेगुलेशन हम रेटेड केस में निकालते हैं, रेटेड लोड पे निकालते हैं, तो उस केस में ये जो लोड वाला है ये भी रेटेड बन जाएगा और ये भी रेटेड बन जाएगा, सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे। अच्छा कई बार अगर रेटेड ना दे रखी हो वोल्टेज, तो जो लोड वोल्टेज दे रखी है उसी को हम क्या मानेंगे,
रेटेड मानेंगे, जो लोड वोल्टेज होगी उसी को नीचे भी वीआर लोड लिख देंगे, वही मेरी रेटेड हो जाएगी। सही है भी? ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं, और इसमें फेज नहीं लिया जाता, ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगर मैं इस पर्टिकुलर केस के लिए देखूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या रेगुलेशन होगी वो जरा देखते हैं। तो ये तो एक काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मर का केस बन गया, अगर आपको याद हो ट्रांसफॉर्मर में जब हमने वोल्टेज रेगुलेशन निकाली थी, बिल्कुल वही वाला केस है। देखिएगा इसके दो तीन तरीके हैं जिनसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा इसको समझते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन इसको एक बार निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए यहां पे अगर मैं नो लोड पे देखूं, एक बार मैंने अभी एक मिनट एबीसीडी की टर्म में लिखते हैं इसको, जरा देखिएगा, VS is equal to AVR plus BIR and IS is equal to क्या था बताओ जरा, CVR plus DIR, यही था ना। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं एट नो लोड, अगर नो लोड पे देखूं तो IR क्या होगा मेरा बताओ, जीरो। नो लोड पे मेरा IR जीरो होगा, और IR को अगर मैं जीरो कर दूं तो VS is equal to क्या बनेगा, AVR, और IS क्या बनेगा बताओ जरा, CVR। यहां से बताइए VR क्या आया, VS by E। ये क्या आ गया, ये नो लोड पे रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक है, तो आप बताओ अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन लिखूंगा तो क्या बोलूंगा बताओ जरा, नो लोड वोल्टेज विच इज VS by A का मैग्नीट्यूड माइनस VR लोड, लोड वोल्टेज मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई वी आर रेटेड। और अगर रेटेड वोल्टेज नहीं दे रखी है आपको तो जो लोड वोल्टेज होती है उसी को नीचे लिख देंगे, वही रेटेड मान के चलेंगे। सही है भाई? तो इस तरह से मेरे पास वोल्टेज रेगुलेशन निकल आया, करेक्ट है। मतलब अगर ABCD पैरामीटर दे रखे हैं तो आप नो लोड वोल्टेज तो वहीं से निकाल सकते हो। ठीक है, यूजिंग ABCD पैरामीटर वो कैलकुलेट कर सकते हो। बोलिए अगर मैं फेजर से देखूं, अगर मैं फेजर डायग्राम से देखूं, मैं रब कर दूं इसको, ठीक है भाई, अगर मैं फेजर डायग्राम से देखूं दोस्तों, तो जरा देखते हैं क्या बनता है। और इसका फेजर अगर मैं बनाऊं, VR को अगर मैं 0 डिग्री बोल दूं और इसको मैं अगर डेल्टा बोल दूं तो कोई एतराज तो नहीं है, इन दोनों में फेज डिफरेंस तो होगा ही, एक 0 डिग्री है, एक डेल्टा पे है, आप इस तरह ले सकते हो। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं KVL लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा VR एंगल 0 प्लस IR कुछ एंगल फाइव। अब ये फाइव मुझे पता नहीं क्या एंगल है, ठीक है, IR का भी तो एंगल कुछ होगा ना, माइनस फाइव बोल दो, चलो लैग कर रहा है मान लीजिए, फाइव कुछ लैगिंग एंगल है। ठीक है, तो मैं इसको माइनस फाइव लिख रहा हूँ क्योंकि जीरो से क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज है तो आप ये कह सकते हो कि लैग कर रही है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव लिख दिया मान लीजिए। ठीक है ना, इनटू क्या लिखोगे बताओ जरा, आर प्लस जे ओमेगा एल, आर प्लस जे ओमेगा एल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वी एस एंगल डेल्टा, यहां के वोल्टेज वी एस और एंगल क्या बनेगा, डेल्टा। ठीक है भाई, ये मेरा केवीएल बन गया, करेक्ट है। अब चलिए अगर इसका मैं फेजर बनाऊं, ठीक है, तो जरा देखिए फेजर किस तरह का बनेगा, अगर मैं इसका फेजर बनाऊं तो जरा देखिए किस तरह का फेजर बनेगा, ये जो वोल्टेज है इसको मैं जीरो डिग्री पे मान रहा हूं, इसका मतलब मैं इसको बोल रहा हूं दिस इज वी आर लेंथ, ये मेरी वी आर है। ठीक है भाई, अच्छा जो करंट है वो मेरा लैग कर रहा है इससे, कुछ फाइ एंगल लैग कर रहा है करंट मेरा, कुछ फाइ एंगल, इसीलिए मैंने माइनस फाइ लिखा है, मतलब फाइ इटसेल्फ पॉजिटिव है, फाइ की वैल्यू अगर मैं बोलूंगा तो पॉजिटिव लिखूंगा, माइनस का मतलब ये क्लॉकवाइज है इधर। ठीक है, फाइ मेरा पॉजिटिव है, ये माइनस सिर्फ इसीलिए गया बिकॉज ये क्लॉकवाइज, जीरो डिग्री से क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, हाँ, तो इधर मेरा क्या है, आई आर। तो आप बताइए अगर मैं फेजर बनाऊं, वी आर जो जीरो डिग्री पे है उसमें क्या ऐड करो, आर इंटू आई आर, और आर इंटू आई आर का एंगल क्या होगा, माइनस फाइव पे होगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा आर इंटू आई आर, आर इंटू आई आर, सही बात है। और उसमें क्या क्या और ऐड कर दो, जे एक्स इंटू आई आर, सही है भाई, ये और ऐड कर दो, उससे क्या बन जाएगा टोटल बताइए जरा, ये जो आएगा ये मेरे पास क्या बनेगा बताओ जरा, ये बन जाएगा मेरे पास वी एस, बोलिए ना, सही है भाई।
और इनके बीच का जो एंगल होगा ये क्या बनेगा, डेल्टा। ठीक है, आप इसको भी बोल सकते हैं, ये जो आएगा ये क्या आएगा बताओ जरा, आई आर इंटू जेड, क्या कहते हो, इंपीडेंस, आई आर इंटू जेड, करेक्ट है भी? बोलो कोई दिक्कत है तो। तो चलिए, हमने बोला कि किस तरह से हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे लैगिंग पावर फैक्टर पे। अब जरा देखिए, मुझे निकालनी है वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगी। ये एक सिंपल मेथड है, मैं उससे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। असल में मैं दो तीन तरीके से बताऊंगा और लास्ट वाला जो मेथड होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा, आप देखना, जो मैं थोड़ा सा लोकस से मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है, तो वो आपको ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है, उसको आप जरा देखिएगा। बट पहले एक बार जरा ज्योमेट्री से निकालते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, मुझे एक बात, अगर कोई लोड नहीं लगा रखा है, अगर कोई लोड नहीं लगा रखा है इधर, तो यहां की वोल्टेज क्या होगी, सेम है, सप्लाई वोल्टेज नहीं हो जाएगी, जो ये वोल्टेज है ये यहां पे आ जाएगी। इसका मतलब नो लोड वोल्टेज, वी आर नो लोड तो जो है वो किसके बराबर है, वो तो सिंपली वी एस के मैग्नीट्यूड के बराबर है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो। सही बात है ना? तो इसका मतलब यही वोल्टेज मेरी नो लोड वोल्टेज है और ये वोल्टेज कौन सी है, मेरी लोड वोल्टेज है। और अगर रेटेड नहीं दे रखी है तो यही मेरी क्या है बताओ जरा, यही मेरी रेटेड है। तो दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ डिवाइड बाय दिस लेंथ, क्या कहते हैं, यही मेरा क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन। बट अब मुझे ये लेंथ निकालनी है इन टर्म्स ऑफ दिस वी आर। अब ये लेंथ निकालें कैसे, क्वेश्चन अब ये है, इस लेंथ को कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं, सॉरी इस लेंथ को, वी एस, इस लेंथ को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ वी आर, ठीक है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, जरा देखिएगा, ध्यान से समझना भाई। अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट कर दूं, मैं चाह रहा हूं सुरेंद्र जी थोड़ा सा इसको जूम कर दें तो सबको थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा। मैं इसको एक्सट्रापोलेट कर देता हूं, ठीक है भाई। अब मुझे बताइए, ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी क्या होगा, फाई, सही बात है। अच्छा, और इसको मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, जरा देखिएगा, ये मेरा ओरिजिन है ओ, ये मेरा मान लीजिए ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, सही बात है ना। अब मुझे बताइए सबसे पहले ओ ए लेंथ क्या है, व्हाट इज ओ ए, ओ ए लेंथ क्या है, लेंथ बतानी है बस, मैग्नीट्यूड बताने। वी आर तो यहां तक हो गया प्लस, जरा बताइए ये जो लेंथ होगी यहां तक, ये वाली लेंथ, ये लेंथ, इसकी अगर मैं बात करूं ये कितनी लेंथ है, आर इंटू आई आर ये है और ये एंगल है फाइव, तो बताइए क्या बनेगा, आर इंटू आई आर कॉस फाइव, सही है भाई, ये लेंथ आ गई। अब बात करते हैं इस लेंथ की, यहां से लेके यहां तक की। अब ये लेंथ कैसे निकाले, जरा देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले आऊं और यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं इस जगह पे, तो जितनी ये लेंथ होगी उतनी ही ये लेंथ भी तो होगी, क्या कहते हो, सही बात है। और ये लेंथ में कैसे निकालूं, मुझे ये लेंथ पता, आई आर इंटू एक्स है, ये आई आर इंटू एक्स है। अगर मुझे ये एंगल कोई बता दे तो बात बन जाएगी, सही बात है ना। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, जरा देखिए, अगर ये फाइव एंगल है, जरा ध्यान से देखिए, तो ये क्या होगा, इधर वाला 90 माइनस फाइव, और ये क्या होगा फिर बताओ, ये होगा फाइव, क्यों फाइव, बिकॉज यहां से यहां पर 90 है पूरा, और नीचे वाला ये एंगल अगर 90 माइनस फाइव है तो ये क्या होगा बताओ जरा, ये फाइव बनेगा, सही है। अच्छा, तो फिर ये क्या बनेगा, 90 माइनस फाइव, ये जो एंगल होगा मेरा ये होगा 90 माइनस फाइव, सही बात है। अब बताइए, ये मुझे पता है ये लेंथ कितनी, आई आर इंटू एक्स है, अगर मैं इसका इधर प्रोजेक्शन निकालूंगा तो क्या बनेगा बताओ जरा, आई आर इंटू एक्स कोस 90 माइनस फाइव, इसका मतलब साइन फाइव बन जाएगा ये लेंथ, और यही लेंथ ये वाली होगी, तो इसमें ऐड कर देता हूं आर इंटू आई आर, बताओ क्या बनेगा, नहीं आई आर नहीं, एक्स, एक्स इंटू आई आर, क्योंकि एक्स इंटू आई आर था ना ये, साइन फाइव, बोलिए दोस्त, सही है। तो मेरे पास क्या लेंथ आ गई, ओ ए लेंथ आ गई। अब बताइए ए बी लेंथ क्या होगी, व्हाट इज दिस लेंथ, ए बी लेंथ, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस ट्रेंगल को देखूं, ध्यान से देखना भाई, अगर मैं ये ट्रेंगल देखूं ऊपर वाला, तो ये लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक, इस लेंथ का प्रोजेक्शन नहीं है ये, जो मेरे पास ये लेंथ है एक्स इंटू आई आर, उसका प्रोजेक्शन है ये, तो आप बताओ क्या बनेगा, ये
एक्स इंटू आई आर कॉस फाई, तो ये लेंथ होगी पूरी, उसमें से ये लास्ट वाली, ये वाली लेंथ माइनस कर दो, और ये वाली लेंथ कितनी है बताओ जरा, आर इंटू आई आर साइन फाई, क्योंकि ये फाई एंगल है, तो ये जो लेंथ आएगी साइन फाई में आएगी, पूरी लेंथ मुझे पता है कॉस फाई में, उसमें से ये लेंथ माइनस कर दो, ये आ गई, ये मेरी ए बी लेंथ आ गई, विच इज दिस, ठीक है, ए बी लेंथ, ए बी लेंथ ये लेंथ है, ये लेंथ कैसे निकाली, पहले मैंने पूरी लेंथ निकाल दी, उसमें से ये माइनस कर दी, करेक्ट। अब बताइए, अब मुझे तो ओ बी लेंथ चाहिए, वी एस लेंथ, तो वी एस का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू रूट ले लूं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, तो इसका मतलब वी आर प्लस आर आई आर कॉस फाई प्लस एक्स आई आर साइन फाई, इसका क्या हो गया बताओ जरा, स्क्वायर प्लस बोलिए प्लस एक्स आई आर कॉस फाई माइनस आर आई आर साइन फाई, इसका स्क्वायर, बोलिए ना दोस्तों, सही बात है भाई, करेक्ट है। अब चलिए मैं जरा इसको ओपन कर देता हूं, ठीक है, इसको जरा मैं ओपन कर देता हूं, इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, ठीक है, या इसको पी मान लेता हूं, इसको क्यू मान लेता हूं, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, तो इसको ओपन कर दूं भाई, जरा देखिएगा, मैं इधर लिख रहा हूं, Vs का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बोलिए Vr का स्क्वायर, तो मैं मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देता हूं, एक ही बात है, प्लस इसको P मान लो, इसको Q मान लो, तो क्या मिल गया ये R I R cos phi प्लस X I R sin phi, इसका क्या हो गया स्क्वायर, प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ वी आर इंटू बोलिए आर आई आर कॉस फाई प्लस बोलिए एक्स आई आर साइन फाई, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अच्छा इसको अलग से रखो, प्लस प्लस बोलिए एक्स आई आर कॉस फाई माइनस आर आई आर साइन फाई, और इसका क्या हो गया स्क्वायर, सही बात है भाई। तो अगर मैं इसको फर्दर ओपन करूं तो जरा देखिए क्या बनेगा, वी एस का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी रूट ऑफ, ठीक है, वी एस का जो मेरे पास मैग्नीट्यूड मिलेगा, बोलिए वी आर का स्क्वायर तो अलग से आ ही गया, मोड का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, इसको इसका स्क्वायर खोल देते हैं और इसका भी स्क्वायर खोल देते हैं, ठीक है, तो जरा देखिए क्या बनाइए, हाँ बोलेंगे ना, ये बनेगा आर आई आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, सही बात है भाई, प्लस बोलिए एक्स आई आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, सही है भाई, प्लस टू टाइम्स ऑफ आर एक्स आई आर का स्क्वायर साइन फाई कॉस फाई, क्या कहते हो, बोले भाई सही है। अब चलिए नीचे, पहले इसको बाद में लिख देता हूं, चलो चलो यहां पे लिख देता हूं, प्लस टू वी आर आर आई आर कॉस फाई प्लस एक्स आई आर साइन फाई, सही है। अब इसको जरा ओपन कीजिए, क्या बनेगा ये बताओ जरा, ये बनेगा एक्स आई आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस बोलिए क्या बना आर आई आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस टू आर एक्स आई आर का स्क्वायर साइन फाई कॉस फाई, सही है जी, ये बनेगा, ये कट गया यहां से, ठीक है जी। तो अब जरा देखिए क्या बनाइए, जो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या बना, मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ मैं रब करूँ, तो एनीवे मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो देखिएगा जो वी एस का मैग्नीट्यूड आया व्हाट इज बताइए क्या बना, क्या इक्वल टू क्या बना रूट ऑफ, बोलिए क्या बना वी आर के मोड का स्क्वायर प्लस प्लस क्या बना होता है जरा कॉस स्क्वायर प्लस साइन, देखो इधर कॉस स्क्वायर है नीचे साइन स्क्वायर है,
और ये ऐड हो रखे हैं दोनों, तो क्या बनेगा? IR into R का स्क्वायर, होल स्क्वायर, प्लस बोलिए क्या बना यहां पे, इन दोनों को ऐड कर, ये तो कट गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? IR into X का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या बनेगा? 2VR into, बोलिए, आर आई आर कोस फाई प्लस एक्स आई आर साइन फाई, कुछ इस तरह का बनेगा दोस्त। और फर्दर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वी आर का मोड का स्क्वायर प्लस, देखिए यहां पे आई आर का स्क्वायर कॉमन आ गया, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? जेड स्क्वायर प्लस टू वी आर का मोड आर आई आर कॉस फाई प्लस एक्स आई आर साइन फाई, इस तरह का आ गया दोस्तों। अब एक काम करता हूं, वी आर का जो मोड का स्क्वायर है वो बाहर ले लेता हूं रूट से, ठीक है? तो जरा देखिएगा, मुझे रब करना पड़ेगा दोस्तों, तो मैं इधर से ये चीज रब कर रहा हूं, तो जरा देखिए, अब यहां से मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं वी आर का मोड का स्क्वायर कॉमन लूं, तो वी एस मोड इज इक्वल टू, वी आर मोड कॉमन आ गया, रूट के अंदर देखिए यहां पे बना वन प्लस, बोलिए आई आर इंटू जेड बाई वी आर, इसका स्क्वायर हो गया, सही है भाई, स्क्वायर का तो मोड का स्क्वायर का एक ही बात है, ठीक है, प्लस टू बाई वी आर का मोड, क्योंकि एक तो कट गया, एक वी आर, ठीक है, एक रह गया अंदर, तो आर आई आर कोस फाई प्लस एक्स आई आर साइन फाई, ठीक है जी, बोलिए कोई दिक्कत है तो। अच्छा आप जरा देखिए, रूट जो है ना इसको हटा देता हूं और इसकी जगह पावर क्या कर देता हूं, वन बाई टू, पावर कर देता हूं वन बाई टू, करेक्ट है। अच्छा आप जरा देखिए, यहां से मैं क्या लिखूंगा बताओ, मैं बोल सकता हूं वी आर इज मच मच ग्रेटर देन आई आर इंटू जेड, अगर ये केस आ जाए, जनरली ये जो ड्रॉप होता है ये बहुत नेग्लेजिबल होता है, आई आर इंटू जेड का जो ड्रॉप होता है वो इसके कंपैरिजन में काफी नेग्लेजिबल होता है, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, उस केस में बोलूंगा कि ये क्वांटिटी वन के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल है, ठीक है, तो इसका मतलब वी एस क्या बन गया बताओ जरा, वी आर का मैग्नीट्यूड इंटू वन प्लस, बोलिए क्या बनाइए, टू बाई वी आर का स्क्वायर, टू बाई वी आर आर इंटू आई आर कॉस फाई प्लस एक्स इंटू आई आर साइन फाई की पावर वन बाई, की होल पावर वन बाई टू, सही है भाई। अब ये क्वांटिटी भी काफी छोटी है वन से, ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये भी आपकी, क्योंकि वी आर बहुत बड़ा है नीचे, तो ये क्वांटिटी भी काफी छोटी है, तो अब क्या करें फिर, इसका मतलब ये वन प्लस एक्स की पावर हाफ होगी ना, और इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं वन प्लस एक्स बाई टू इफ एक्स इज वेरी स्मॉल, अगर एक्स मेरा वेरी स्मॉल है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, बोले कोई दिक्कत है तो आप बताइए इसको मैं क्या करूंगा, आप बताओ, तो वी एस का जो मोड आएगा दैट विल बी इक्वल टू वी आर का मोड इनटू, बोलिए क्या बना, वन प्लस आर आई आर कॉस फाई प्लस, बोलिए एक्स आई आर साइन फाई डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, वी आर का मोड, टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू कट जाएगा, ठीक है भाई, इस तरह का आ गया दोस्तों, बोलिए कोई दिक्कत है तो। अब फर्दर देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, तो काफी दूर तक आ गए हम लोग, और ये चीज आपने पहले भी पढ़ी है, मतलब अगर आपको ध्यान हो तो हमने ट्रांसफॉर्मर में कुछ इसी तरह का पढ़ा है, ठीक है ना, तो अगर मैं वी आर को अंदर ले जाऊं तो वी एस का मोड दैट इज इक्वल टू वी आर का मोड प्लस आर आई आर कॉस फाई प्लस एक्स आई आर साइन फाई, सही है भाई, ये बन जाएगा, और इसको इधर ले आओ तो वी एस, वी एस तो मेरी नो लोड वोल्टेज है, माइनस वी आर दैट इज इक्वल टू आर आई आर कॉस फाई प्लस एक्स आई आर साइन फाई, डिफरेंस आ गया मेरे पास लेंथ का,
हालांकि अप्रोक्सीमेट डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, बिकॉज ये जो है यहां से ये जो है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है, ठीक है ना, करेक्ट है। हाँ तो आप बताइए, डिफरेंस आ गया हमारे पास, बट मुझे रेगुलेशन चाहिए, तो डिवाइड बाई क्या कर दोगे, वी आर, ये मेरे पास रेगुलेशन आ जाएगी, ठीक है भाई, आप देख सकते हो ये मेरा रेगुलेशन आ जाएगी। बट ये कौन से पावर फैक्टर के लिए है, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, फाई यहां पे पॉजिटिव रखना है, ठीक है, लैगिंग को, लैगिंग फाई को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, ठीक है ना, फाई यहां पे पॉजिटिव रखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या, अगर ये फाई मेरा लीडिंग होता, सोचिए अगर लीडिंग के लिए देखता तो क्या लिखता बताओ, ये फॉर लैगिंग, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग के लिए क्या होता बताओ जरा, ये बनता आर आई आर कॉस फाई, फाई की जगह माइनस फाई कर दो ना, ठीक है, क्योंकि फाई जो पॉजिटिव है वो लैगिंग के लिए है, नेगेटिव किसके लिए होगा बताओ जरा, लीडिंग के लिए हम नेगेटिव लेंगे, तो फाई की जगह माइनस फाई करोगे तो कॉस के अंदर तो सेम ही रहता है, साइन के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स आई आर साइन फाई डिवाइड बाई वी आर का मैग्नीट्यूड, सही है भाई, ये आ जाएगा फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं। वैसे एक डायरेक्ट वे भी था मेरे पास, ठीक है, क्या एक और आसान तरीका था और एक लोकस का तरीका है, दोनों तरीके को देखते हैं क्या बनता है, ठीक है, तो मैं इसको भी अलग कर देता हूं, इसको भी अलग से लिख देता हूं, आर आई आर कॉस फाई प्लस एक्स आई आर साइन फाई डिवाइड बाई वी आर का मैग्नीट्यूड, ये क्या है, फोर लैगिंग पावर फैक्टर, फोर लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है भाई। तो चलिए इन दोनों को मैंने अलग कर दिया, अब जरा मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, रब कर दूं, हाँ जी। अब जरा देखिए, एक आसान तरीके से भी मैं इसको कर सकता था, देखिएगा दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, आपने यहां पे ये देखा कि ये जो लेंथ है बीच वाली, ये जो लेंथ है ये क्या है, आई आर इंटू जेड, अगर ये मच मच लेस है, जो हमने अप्रोक्सीमेशन यूज किया ना, जरा देखो, मच मच लेस देन वी आर, इस लेंथ से काफी स्मॉल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो गैप होगा इनके बीच में वो क्या होगा बताओ जरा, वी एस और वी आर के बीच में जो डेल्टा होगा ये क्या होगा, काफी छोटा होगा, डेल्टा विल बी वेरी स्मॉल, डेल्टा आपका वेरी स्मॉल होगा। अब सुनिए, अगर ऐसा केस है कि डेल्टा काफी स्मॉल है, जरा ध्यान से देखना, मान लीजिए एक सर्कल है, इमेजिन कीजिए एक सर्कल है, ठीक है, ये उसका सेंटर है, ऐसे दो मेरे पास, दो ऐसे मैंने साइड वैसे दो रेडियस ड्रॉ की, अगर उनके बीच में जो डेल्टा है अगर ये काफी स्मॉल आ जाए, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो समवेयर यहां तक आएगा परपेंडिकुलर, तो ये जो लेंथ है जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है मैंने, इसको मैं पी क्यू लेंथ बोल देता हूं और इसको मैं ओ ए लेंथ बोलता हूं, ऊपर वाला यहां यहां तक ओ ए लेंथ है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर डेल्टा डेल्टा आपका स्मॉल है तो ओ ए इज नियरली इक्वल टू पी क्यू, क्या कहते हो, ठीक है, जो ओ ए लेंथ है और पी क्यू, नहीं नहीं ओ ए इज नियरली इक्वल टू ओ क्यू, ओ क्यू ओ ए और ओ क्यू क्या होंगे, थोड़े बराबर ही होंगे, नियरली इक्वल होंगे, सही बात है, बोलिए ना, करेक्ट है। अब जरा देखिए, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि ओ क्यू इज नियरली इक्वल टू ओ पी, ऐसे भी बोल सकता हूं, ओ क्यू जो लेंथ होगी, क्योंकि देखो ना मुझे एक बात हो, ओ ए और ओ पी तो बराबर ही है, ओ ए और ओ पी तो बराबर ही है, क्या कहते हो, ओ ए यहां रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है, ये तो बराबर ही है, तो अगर ओ ए इज नियरली इक्वल टू ओ क्यू है तो ओ पी इज नियरली इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा, सही बात है ना, बोले कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब सिमिलरली यहां पे देखिए, अगर मैं इसको रेडियस मान लूं और एक सर्कल ड्रॉ करूं, वीएस को रेडियस मान के एक सर्कल आर्क ड्रॉ करूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो लेंथ है ओए लेंथ, दिस लेंथ ओए इज नियरली इक्वल टू
दिस लेंथ OB, यहां पे अगर मैं बोलूंगा तो OA इज नियरली इक्वल टू OB, मैं लिखूंगा इसको, इफ डेल्टा इज वेरी स्मॉल, अगर डेल्टा मेरा वेरी स्मॉल है, और डेल्टा मेरा वेरी स्मॉल इसलिए बिकॉज ये जो गैप है इनके बीच में ये बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो इसका इनके बीच का जो एंगल होगा वो बहुत बहुत स्मॉल होगा, सही बात है, बोले भाई। तो अब यहां से बताओ OA की लेंथ क्या आएगी अगर मैं OA लेंथ निकालने की कोशिश करूं, ठीक है, मैं इसको रब कर दूं भाई, जरा देखिए अगर मैं OA लेंथ निकालूं तो OA लेंथ क्या आएगी वो जरा देखते हैं, व्हाट इज OA, OA इज इक्वल टू जो ये वाली लेंथ है OA, VR प्लस, VR का मैग्नीट्यूड प्लस, बोलिए IR इंटू R, IR इंटू R इसका प्रोजेक्शन ले लो cos phi, प्लस बोलिए ये लेंथ विच इज आई आर इंटू एक्स साइन फाइव, बोलिए ना ये OA लेंथ है एंड दैट इज इक्वल टू, आप क्या ले सकते हो बताओ जरा, वी एस का मैग्नीट्यूड नियरली इक्वल टू आप बोल सकते हो, सही बात है। तो आप यहां से बताइए वी एस को उधर ले जाओ तो बताओ वी एस माइनस वी आर क्या बन गया, इज इक्वल टू क्या बन गया, आई आर इंटू आर कोस फाइव प्लस आई आर इंटू एक्स साइन फाइव, बोलिए ना करेक्ट, ये मेरे पास डिफरेंस आ गया और डिवाइड बाय मैं क्या कर दूंगा बताओ जरा, वी आर का मैग्नीट्यूड कर दूंगा तो यहां पे भी डिवाइड बाय वी आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, बोलिए भाई सही है ना, इस तरह से क्या आ गई मेरे पास वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है ना, ये मेरे पास आ गई वोल्टेज रेगुलेशन, बोलिए कोई दिक्कत है तो, करेक्ट है, तो ये भी तो आसान तरीका था, ठीक है ना, बट ये आप तभी आप कर सकते जब डेल्टा मेरा वेरी स्मॉल हो, इसका पिछले में भी तो वही अप्रोक्सीमेशन लगाया हमने, ठीक है ना, पिछले में भी तो वही अप्रोक्सीमेशन लगाया, क्या कहते हैं, ठीक है, चलिए अब जरा देखिए एक और चीज समझाता हूँ आपको, इसी चीज पे हम लैंड करेंगे देखना, ठीक है, मैं रब कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास ये दो रेगुलेशन आ रही है, ठीक है, अब एक और तरीका है जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है, जरा देखिए वो क्या तरीका है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं अभी, देखेगा मैं जानता हूं यहां पे अगर मैं केवीएल लिखूं तो दैट विल बी इक्वल टू वी आर एंगल जीरो प्लस आई आर एंगल माइनस फाइव इंटू आर प्लस जे जे एक्स इज इक्वल टू वी एस एंगल डेल्टा, यही बनेगा केवीएल, दिस वोल्टेज प्लस दिस ड्रॉप इक्वल टू दिस वी एस एंगल डेल्टा, करेक्ट बात है। अब जरा देखिए अगर मैं इसको इसका जरा बनाऊं, जीरो डिग्री इस बार इधर ले रहा हूं मैं, तो वी आर जो है मेरा वो यहां पे है, वी आर मेरा यहां पे है और आई आर मेरा लैग कर रहा है, कितना लैग कर रहा है, कुछ फाइव एंगल लैग कर रहा है, ठीक है, तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं वी एस जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू वी आर प्लस This IR into Z, क्या कहते हो, IR into Z, ठीक है, और IR का एंगल जो है वो माइनस फाइव है और Z का एंगल कितना है बताओ जरा, मान लीजिए थीटा है, थीटा Z बोल दीजिए, ठीक है भाई, इस तरह से बनेगा। अब मुझे बताइए IR मेरा इधर है, अगर मैं VR में ऐड करूं तो VR प्लस IR into R ये बन गया और आई आर इंटू जे एक्स ये बन गया, क्या कहते हो, तो ये लेंथ क्या बनेगी बताओ जरा, ये बनेगी आई आर इंटू बोलिए भाई जेड, बोलिए कोई दिक्कत है तो, सही बात है। अब सुनिए अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लू, ध्यान से सुनना, कि मेरा आई आर का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, जेड का तो मैग्नीट्यूड ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, जेड क्या है बताओ जरा, जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, यही तो है, बोले ना, तो अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि आईआर का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, जो करंट आ रहा है अगर मैं कांस्टेंट मान लूं, अब आप बोलोगे सर आईआर का मैग्नीट्यूड कैसे कांस्टेंट आएगा, और वीआर को अगर मैं कांस्टेंट मान लूं, एक मिनट मान लो कि वीआर कांस्टेंट है और आईआर कांस्टेंट है, लोड मेरा वेरी कर रहा है, अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वोल्टेज मेरी कांस्टेंट है और लोड वेरी कर रहा है तो करंट वेरी करेगा, नहीं आप ऐसा कर सकते हो ना, जरा देखो जैसे एक बार लोड को जे थ्री प्लस जे फोर लिख लिया, एक बार फोर प्लस जे थ्री लिख लिया, मतलब अगर आप देखो तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा लोड का, जेड एल
ZL का मैग्नीट्यूड सेम है दोनों केस में, तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? करंट का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बस फेज बदलेगा, बस ये फाई जो है ये चेंज होगा। अगर फाई चेंज होगा और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो ये लेंथ तो सेम आएगी, क्यों? क्योंकि लेंथ आई आर इंटू जेड से आती ना। मैग्नीट्यूड करंट का सेम आएगा और जेड तो मेरा पहले से ही सेम है, कॉन्स्टेंट है, तो ये लेंथ आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी, बस क्या चेंज होगा बताओ जरा? इसका जो फेज है वो बदलेगा, सही है? तो अगर इसका फेज बदलेगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो है, अगर इसका लोकस ड्रॉ करूं मैं, तो ये जो है ये एक सर्कल में बनेगा। क्या कहते हैं? इसका जो लोकस होगा आई आर इंटू जेड का, वो एक सर्कल को ट्रेस करेगा। सही बात है, बोलिए, कोई दिक्कत है तो ठीक है। अब सुनिए, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं वी आर को कॉन्स्टेंट मान रहा हूं और आई आर को कॉन्स्टेंट मान रहा हूं, तो ये मेरा वेरिएबल होगा, ये मेरा अलग अलग होगा, अलग अलग पावर फैक्टर पे। क्यों? सोचिए, पावर फैक्टर कुछ लैगिंग है तो वी एस क्या बनेगा बताओ? वी एस की वैल्यू अगर मैं दिखाऊं यहां पे, ये है वी आर, ये आई आर इंटू जेड, तो ये जो लेंथ आएगी ये क्या बनेगी? ये जो लेंथ आएगी ये क्या बनेगी? देयर इज वी एस, क्या कहते हो? ये बनेगी वी एस। तो वी एस का मैग्नीट्यूड कब कब बदलेगा बताओ जरा? अगर मेरा वी आर का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है और आई आर इंटू जेड, मतलब जो आई आर करंट है वो भी अगर मेरा कॉन्स्टेंट है, तो उस केस में वी एस का मैग्नीट्यूड मेरा चेंज होगा। अगर अलग अलग पावर फैक्टर है तो अलग अलग होगा, सही बात है। सोचिए, अगर मैं थोड़ा सा और लैगिंग कर दूं इसको, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आई आर को थोड़ा और लैगिंग कर दूं, ठीक है, तो आपका ये और लैगिंग हो जाएगा, नहीं? और उस केस में ये जो परपेंडिकुलर आएगा ये भी आपका इधर आ जाएगा, क्या कहते हो? जो परपेंडिकुलर आएगा वो आपका इधर आ जाएगा, क्या कहते हो? बोलिए, जो ये था यहाँ पे आ जाएगा, और जो वी एस है वो कहाँ पे आ जाएगा? वी एस यहाँ पे आ जाएगा, नहीं? सही बात है ना, वी एस आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ जरा, जो डिफरेंस है, वी आर कॉन्स्टेंट है, वी एस मेरा वेरिएबल है, वो चेंज हो रहा है, क्योंकि वी एस जो है वो इसकी टिप पे होगा कहीं पे भी, इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो वी एस को दिखाएगी। मुझे एक बात बताओ जरा, वी एस मेरा मैक्सिमम कहां पे होगा बताओ? जब ये टिप यहां पे आ जाए, जब ये लैगिंग पावर फैक्टर हो जाए, कुछ और लैगिंग हो जाए, वी आर से जब अच्छा खासा लैग करेगा, तो ये जो टिप है यहां पे आ जाएगी, सही है भाई? और उस केस में क्या होगा? वी एस मेरा मैक्सिमम होगा, वी आर तो मेरा फिक्स है, तो इसका मतलब डिफरेंस आएगा, दैट इज दिस आई आर इंटू जेड, डिफरेंस तो आई आर इंटू जेड बनेगी, आई आर इंटू जेड बनेगा ना, बोलिए ना, नया, जब इस, अगर आई आर मेरा इधर है तो ये आई आर इंटू जेड बनेगा, आई आर इंटू जेड मेरा क्या बनेगा बताओ जरा? वो मेरा डिफरेंस बनेगा, ठीक है? तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैक्सिमम डिफरेंस जब आएगा तभी आपकी मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होगी, सही बात है। अब आप ये कैसे कब बताओ, ये कैसे कब कैसे बताओगे कि भी कौन से एंगल पे आई आर, कौन से एंगल पे होना चाहिए सो दैट मेरी जो रेगुलेशन है वो मैक्सिमम आए, मतलब जो डिफरेंस है वी एस और वी आर के बीच का वो मैक्सिमम आए, ठीक है? अच्छा, मैं यहां पे क्या वेरिएबल है ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं वी आर को कॉन्स्टेंट रख रहा हूं, वी एस को वेरी कर रहा हूं, और मैं उनका डिफरेंस देख रहा हूं, ठीक है? क्योंकि डिफरेंस मेरा मैक्सिमम होगा तभी तो मैक्सिमम रेगुलेशन आएगी। अब कोई बोलेगा सर ऐसा थोड़ा ना होता है, ये कॉन्स्टेंट होता है, ये वेरिएबल होता है, एक ही बात है। अगर आप इसको कॉन्स्टेंट मान लोगे, इसको वेरिएबल मान लोगे, आप अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हो? डिफरेंस। तो डिफरेंस में आप किसी को भी कॉन्स्टेंट मान के किसी दूसरे को वेरिएबल बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? हाँ, तो बताइए, यहां पे मैं वी आर को कॉन्स्टेंट लेके और आई आर को कॉन्स्टेंट लेके वी एस को वेरी कर रहा हूं, पावर फैक्टर को चेंज कर रहा हूं बस, ठीक है? मेरा पावर फैक्टर चेंज हो रहा है बस, मेरा करंट नहीं चेंज हो रहा, उसका केवल फाई चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो आप बताओ कौन से पावर फैक्टर पे मैक्सिमम रेगुलेशन होगी, बताइए? यहां पे ना, जिस टाइम ये यहां पे होगा उस टाइम मैक्सिमम रेगुलेशन, उस टाइम डिफरेंस जो आएगा वो काफी बड़ा आएगा। वी एस मेरी नो लोड वोल्टेज होती है, वी आर मेरी लोड वोल्टेज होती है, डिवाइड बाई वी आर, ठीक है? हाँ, तो बताओ कैसे चेक करूं कि ये कितने एंगल पे मैक्सिमम रेगुलेशन होगी? मुझे एक बात आइए जरा, ये जो साइड है ये कौन सी है बताओ जरा? ये है आई आर इंटू जेड। आई आर कितने एंगल पे है? कुछ माइनस फाइव नोट एंगल पे, मान लीजिए ये फाइव मान रहे थे पहले ना, या चलो कंफ्यूज मत होना, इस एंगल को, नया जो एंगल है जिसमें मैक्सिमम रेगुलेशन आ रही है, इसको मैं फाइव मैक्स बोल रहा हूं, क्या कहते हैं? बोल दो। तो आप बोलो जो करंट का एंगल होगा वो क्या होगा? आई आर एंगल माइनस फाइव एक्स इंटू जो इंपीडेंस का एंगल है वो क्या है बताओ जरा? जेड का, तो जेड का तो एक मैग्नीट्यूड आएगा और एंगल क्या बन जाएगा? थीटा जेड, सही है? इसका जो है वो,
करेक्ट है। अब जरा बताइए, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा आई आर इंटू जेड, एंगल क्या बना थीटा जेड माइनस फाइव एक्स, क्या क्या कहते हैं? और ये जो एंगल होना चाहिए जीरो डिग्री होना चाहिए, क्यों भाई? तभी तो मैक्सिमम रेगुलेशन आएगी, ये जीरो होना चाहिए, क्यों भाई? क्योंकि आई आर इंटू जेड अगर वी आर के फेज में आएगा तभी तो वी एस मैक्सिमम आएगा, ठीक है, उस केस में मैक्सिमम रेगुलेशन आएगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो जो मेरा फाइव मैक्स होना चाहिए, मतलब जो पावर फैक्टर होना चाहिए लोड का मैक्सिमम रेगुलेशन के लिए, दैट शुड बी इक्वल टू थीटा जेड। और थीटा जेड का एंगल क्या होता है बताओ जरा, टेन इनवर्स ऑफ बोलिए एक्स बाई आर। इसका मतलब मुझे वो एंगल पता चल गया जिस एंगल पे मैक्सिमम रेगुलेशन होगी, और ये लैगिंग है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये लैगिंग पावर फैक्टर है, ठीक है। हालांकि वो आप यहां से भी निकाल सकते थे, यहां से या यहां से किसी से भी निकाल सकते थे। आप क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू फाई, बिकॉज ये जो फाई है ये पावर फैक्टर एंगल है लोड का, ठीक है। तो आप यहां पे विद रिस्पेक्ट टू फाई एंगल डेरिवेटिव ले, जैसे यही देखो, आप लीडिंग को भी ले सकते हो, आप लैगिंग से भी ले सकते हो, कोई भी एक्सप्रेशन में ले सकते हो। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं ले रहा हूं लैगिंग वाले जो केस है, फाई के रेस्पेक्ट में अगर मैं डेरिवेटिव लूं इसका तो बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा आई आर इंटू आर, बताइए क्या बनाइए, माइनस साइन फाई प्लस एक्स इंटू आई आर कोस फाई और इक्वल टू जीरो कर दो। फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव मुझे इसको बताना कब मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमा की कंडीशन लगाओ ना, इसका डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू फाई और इसको इक्वल टू जीरो कर दो। तो आप बताओ यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा टेन फाई इज इक्वल टू क्या बना बताओ जरा, एक्स बाई आर। तो फाई इज इक्वल टू क्या बन गया, टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई आर, ये आ गया फाई की वैल्यू। और फाई हम किसके लिए लेके चल रहे थे, ये फाई कौन सा है, लैगिंग, पॉजिटिव आया ना ये, तो पॉजिटिव एंगल तो लैगिंग लेके चल रहे थे, सही बात है ना, बोलिए भाई। अच्छा एक बात और देखिए, अगर फाई लीडिंग दे रखा है तो ये यूज करेंगे, लेकिन इसमें फाई की वैल्यू कैसे पुट करेंगे बताओ जरा। जैसे मान लीजिए फाई आ गया 30 डिग्री लीडिंग, और अगर आप रेगुलेशन निकाल रहे हो और ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो क्या लिखोगे फाई की वैल्यू, यहां फाई की वैल्यू माइनस 30 पुट करोगे या 30 पुट करोगे, यहां पे 30 पुट करोगे, माइनस ऑलरेडी हम ले चुके थे इसमें, और इसको अगर आप यूज कर रहे हो तो इसके लिए माइनस 30 पुट करना है फाई की वैल्यू, क्यों? क्योंकि इसमें फाई जो होना चाहिए वो लैगिंग वाला होना चाहिए, लेकिन आपका लीडिंग दे रखा है तो इसको माइनस 30 लैगिंग कर दो, सही बात है, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा भाई, गलती नहीं करनी है। तो मेरे पास ये फाई आ गया और ये पॉजिटिव ही आया, हम लैगिंग के लिए चल रहे थे और लैगिंग के लिए मैं फाई को पॉजिटिव लेके चल रहा था और पॉजिटिव ही आंसर आ गया, तो इसका था ये जो एंगल होगा ये मेरा लैगिंग पे ही मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया, लैगिंग पावर फैक्टर एंगल है, तो लैगिंग पावर फैक्टर एंगल पे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आएगी, या फिर आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है भाई, बोलिए कोई दिक्कत है। एक और चीज देखें, अगर मैं बोलूं मिनिमम रेगुलेशन कब आएगी, मिनिमम रेगुलेशन कितने पावर फैक्टर पे आएगी, मिनिमम रेगुलेशन कब आएगी, जब ये कहां पे आ जाए, यहां पे, नहीं मिनिमम नहीं, मिनिमम तो क्या हो सकती है, गलत है, मिनिमम नहीं है, उतनी ही रेगुलेशन है ये, इसमें बस ये है कि वीएस मेरा छोटा हो गया वीआर से, तो वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम नेगेटिव आ जाएगी, मैक्सिमम नेगेटिव आ जाएगी, समझ रहे हो, यहां पे वीएस बड़ा है वीआर से तो रेगुलेशन क्या होगी, पॉजिटिव, यहां पे वीएस छोटा हो जाएगा वीआर से तो रेगुलेशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ही रहेगी बट नेगेटिव रहेगी, मैक्सिमम नेगेटिव रहेगी, समझ रहे हो मेरा पॉइंट। तो अगर मैक्सिमम नेगेटिव वाला मैं पूछना चाहूं कौन से एंगल पे मैक्सिमम नेगेटिव आएगी रेगुलेशन, ठीक है, तो वो ये इसका होता है आई आर इंटू जेड का जो एंगल होना चाहिए क्या होना चाहिए बताओ जरा, ये क्या कर दो, वी आर इधर है, आई आर इंटू जेड इधर होना चाहिए, इसका मतलब क्या कर दो, इसको पाई कर दीजिए, समझा, तो इसका मतलब जो फाइव एक्स बनेगा वो क्या बनेगा बताओ जरा, थीटा जेड माइनस पाई, समझा, ये जो पावर फैक्टर एंगल होगा और ये मेरा कैसा है बताओ, ये अगर थीटा जेड तो मेरा 90 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा फाइव एक्स, फाइव एक्स नेगेटिव आने का मतलब ये क्या बन गया, लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है, तो लीडिंग पावर फैक्टर पे ऐसा बनेगा, ये नेगेटिव आएगा एंगल, आप तो लैगिंग लेके चले थे, लैगिंग होता तो पॉजिटिव आंसर आता, बट ये तो नेगेटिव आंसर है, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा, ये इसको आप ये ले सकते हो पाई माइनस थीटा जेड लीडिंग फाइव एक्स, ये वो एंगल है जिस एंगल पे मैक्सिमम नेगेटिव रेगुलेशन आएगी, समझ आया अभी, मैक्सिमम नेगेटिव रेगुलेशन आएगी, पॉइंट को समझिए,
जो ग्राफिकली मैं जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस पॉइंट को आप देखिए कि ग्राफ से मैं कैसे इसको दिखा रहा हूं, ठीक है, लोकस से कैसे दिखा रहा हूं। अब मुझे एक बात आई है, अगर मुझे बताना हो जीरो रेगुलेशन कब आएगी, जीरो रेगुलेशन, तो जीरो रेगुलेशन के लिए जरूरी है कि ये जो वी आर है इसी लेंथ का क्या हो, वी एस हो। तो क्यों ना एक काम करें, यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, वी आर। बोलिए भाई, ये लीजिए, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, सर्कल आर्क लगा दी, कहने का मतलब ये है मैंने एक आर्क लगा दिया जिसकी रेडियस कितनी है, वी आर। ऐसे एक आर्क लगा दिया, ठीक है भाई। अब वो यहां पे कट कर रही है इसको, तो इसका मतलब जिस टाइम आई आर इंटू जेड यहां पे होगा, वी आर तो ये आई आर इंटू जेड हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा वी एस, और उस टाइम वी एस और ये जो लेंथ है वी आर, ये दोनों क्या होंगे बताओ जरा, बराबर होंगे, बिकॉज ये एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं दोनों, सही बात है। अब क्वेश्चन ये है कि वो पावर फैक्टर एंगल क्या होगा जिस एंगल पे मेरा वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो जाएगी। मैं सिर्फ पावर फैक्टर को चेंज कर रहा हूं, मैं करंट को चेंज नहीं कर रहा, इसका मैग्नीट्यूड मेरा कांस्टेंट है, आईआर मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं वीआर को चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फाई को चेंज कर रहा हूं पावर फैक्टर को। तो मुझे बताना है कौन से पावर फैक्टर पे वीआर का मैग्नीट्यूड और वीएस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। मैं इसको रब कर दूं इधर से, हालांकि वो आप यहां से भी निकाल सकते हो, इसको जीरो कर दो, ठीक है, बट इससे जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, आप देखना, ठीक है, करेक्ट है। जरा देखिए एग्जैक्टली कैसे निकालेंगे, ये जो है ये क्या है मेरा बताओ जरा, ये है मेरे पास आई आर इंटू जेड, सही है, ये है मेरे पास वी आर और ये मेरे पास वी एस। तो क्यों ना मैं इसको अलग से बना दूं, इस डायग्राम को दोबारा से बना दूं, ठीक है, जरा देखिए, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा मिक्स हो रखा है ये, तो इसको मैं जरा दोबारा से बना देता हूं। तो मैंने देखा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब आती है, वो आती है लैगिंग पावर फैक्टर पे, विच इज 10 इनवर्स एक्स बाई आर, ठीक है ना। अब आइए जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पे, ये है मेरा वी आर, ठीक है, और ये सर्कल किसका है बताओ जरा, बताओ, आई आर इंटू जेड का है, ये मेरा आई आर है भाई, फिलहाल मैं लेगिंग लेके चल रहा हूं आई आर को, कुछ फाई एंगल लेगिंग लेके चल रहा हूं, तो इससे आई आर इंटू आर इधर आ जाएगा और आई आर इंटू जे एक्स इधर आ जाएगा, तो आई आर इंटू जेड ही आ जाएगा, दिस लेंथ इज आई आर इंटू जेड, सही है भाई। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन सी रेगुलेशन चाहिए, जीरो। तो मैं काम करूंगा इसको सेंटर मान के, मतलब इसको रेडियस मान के, और एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, सर्कल की आर्क लगा दी मैंने, ठीक है भाई, सो दैट यही लेंथ इस सर्कल पे ये फिक्स रहेगी लेंथ। तो इसका मतलब आई आर इंटू जेड कहां होना चाहिए, वो इधर होना चाहिए, ये बनना चाहिए आपका आई आर इंटू जेड, और ये जो लेंथ होनी चाहिए ये अब क्या बन जाएगी, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा वी एस, और वी आर और वी एस मेरे क्या आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे, और ये जो एंगल होगा इसको मैं बोलूंगा डेल्टा, सही है, ये है आई आर इंटू जेड। अब जरा देख सकते हो आप, रेगुलेशन मेरी जीरो होगी, क्यों, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, आई आर इंटू जेड इधर होना चाहिए, अगर ये लैगिंग होता तो इधर होता ये वाला। अब मुझे आई आर इंटू जेड को इधर करना है, तो ऑब्वियसली करंट चेंज करना पड़ेगा, करंट का पावर फैक्टर जो है एंगल वो चेंज करना पड़ेगा, सो दैट ये आई आर इंटू जेड मेरा टिल्ट हो सके, ठीक है। अब कितना एंगल होगा वो जरा निकालना है मुझे, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, मुझे एक बात आइए, ये आइसोसेलेस ट्रेंगल नहीं है क्या, ये ओ ए बी, ओ ए बी ट्रेंगल, ए ओ ए बी, ओ ए बी कैसा है बताओ ट्रेंगल, ओ ए बी आइसोसेलेस ट्रेंगल नहीं है क्या, आई थिंक ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर यहां से डालूं तो परपेंडिकुलर आएगा यहां पर, क्या कहते हो, सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये एंगल है डेल्टा, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा बाई टू, डेल्टा बाई टू।
अब मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं ये साइड निकालूं तो ये साइड कैसे निकलेगी, बता सकते हो? अगर मैं साइन डेल्टा बाई टू निकालू, साइन डेल्टा बाई टू दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या बनेगा बताओ जरा? अगर मैं ये ट्रेंगल यूज करूं तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज आई आर इंटू जेड बाई टू, ये लेंथ, ये जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यहां से या एंगल बाइसेक्टर लगाओगे तो परपेंडिकुलर आएगा इससे और वो इक्वली डिवाइड करेगा इसको, ठीक है? हाँ तो बताओ आई आर इंटू जेड बाई टू तो ये साइड होगी, डिवाइड बाई क्या होगा? वी आर, दिस साइन डेल्टा बाई टू, ये एंगल आ गया। अच्छा यहां से डेल्टा बाई टू आ जाएगा मेरे पास, बताइए डेल्टा बाई टू क्या आया? साइन इनवर्स ऑफ, बोलिए, आई आर इंटू जेड डिवाइड बाई टू वी आर, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये आ गया मेरे पास डेल्टा बाई टू, ये एंगल आ गया, ठीक है? ये एंगल आ गया, मुझे ये एंगल देखना है इसका, ये एंगल क्या होगा? ये एंगल मैं जानता हूं क्या होता है, ये आई आर इंटू जेड का एंगल है, और आई आर इंटू जेड का एंगल क्या होता है बताओ जरा? आई आर का एंगल कितना है बताओ? आई आर का एंगल है माइनस फाइव, मुझे पता नहीं, लैगिंग मान के चल रहा हूं ना मैं इसको अभी एक मिनट के लिए। और जेड का एंगल क्या होता है बताओ जरा? जेड एंगल थीटा जेड, तो आई आर इंटू जेड का क्या बनेगा बताओ जरा? थीटा जेड माइनस फाइव बनेगा। इसका मतलब ये जो एंगल है दिस इज थीटा जेड माइनस फाइव, सही बात है ना? फाइव मेरा लैगिंग है, ये ध्यान रखना। अब मुझे एक बात आई, ये अगर डेल्टा बाई टू है, ये 90 है, तो ये क्या होगा? 90 माइनस डेल्टा बाई टू, इसका मतलब 90 माइनस साइन इनवर्स ऑफ आई आर जेड बाई टू वी आर का मैग्नीट्यूड दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये वाला एंगल आ गया ना, बोलिए भाई, ये वाला एंगल आ गया, बट मुझे ये देखना है ये एंगल क्या होगा। तो एक काम करते हैं, 180 माइनस कर देता हूं दिस एंगल एंड दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ जरा? थीटा जेड माइनस फाइव, बोलिए ना। तो आप बताओ ये क्या बना? थीटा जेड माइनस फाइव मस्ट बी इक्वल टू क्या बना ये बताओ जरा? 90 प्लस साइन इनवर्स ऑफ आई आर इंटू जेड बाई टू वी आर का मैग्नीट्यूड, बोलिए ना, सही है क्या? करेक्ट है भाई। अब बताओ यहां से मुझे फाइव निकालना है भाई, बल्कि माइनस फाइव बताओ क्या बनेगा? 90 प्लस साइन इनवर्स ऑफ आई आर इंटू जेड बाई टू वी आर माइनस थीटा जेड, माइनस थीटा जेड, बोलिए ना, ये बन गया फाइव। और अगर मैं माइनस हटा दूं, इधर लगा दूं माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ये बनेगा। लेकिन ये तो नेगेटिव आ गया भाई, क्यों? आप कैसे कह सकते हो नेगेटिव? ये एंगल पॉजिटिव बनेगा लेकिन इसके आगे माइनस साइन है, तो 90 से बड़ा हो गया, क्या कहते हो? बल्कि माइनस 90 से ज्यादा नेगेटिव हो गया, माइनस 100 बोल दो, माइनस 200 बोल दो, नहीं समझे क्या? मतलब ये माइनस 90 है और ये नेगेटिव है, तो माइनस 90 से और ज्यादा नेगेटिव हो गया ये, और ये एंगल ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है बताओ? थीटा जेड, थीटा जेड तो इंपीडेंस का एंगल है इसका, ज्यादा 90 हो सकता है, 90 भी हालांकि नहीं बनेगा, तो इसका मतलब फाई ऑलवेज क्या बनेगा? नेगेटिव। और फाई आप पॉजिटिव किसको मान के चल रहे थे? लैगिंग को। तो इसका मतलब ये कैसा होगा? ये नेगेटिव लिख रहे हो तो लैगिंग ही लिखो, बट अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो बनेगा 90 प्लस साइन इनवर्स ऑफ आई आर इंटू जेड टू वी आर का मैग्नीट्यूड माइनस थीटा जेड। अब ये बन जाएगा लीडिंग, समझ आया? तो ये वो एंगल है जिस एंगल पे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होगी, ठीक है? ये आपका लोड का पावर फैक्टर एंगल आ गया जिस एंगल पे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होगी, ठीक है भाई? इसको हम क्या बोलेंगे? लीडिंग पावर फैक्टर एंगल, ठीक है भाई? बोलो कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो मैंने बताया लीडिंग पावर फैक्टर एंगल क्या आएगा, ठीक है? आप यहां से भी निकाल सकते थे वही चीज, आप इसको इक्वल टू जीरो कर दो या इसको इक्वल टू जीरो कर दो। अगर आप इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो आप बताओ क्या बनेगा? यहां से बनेगा टेन थीटा टेन फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ जरा? आर बाई एक्स। तो यहां से फाई क्या आ गया? टेन इनवर्स ऑफ आर बाई एक्स। और फाई मैं किसको लेके चल रहा था?
phi यहाँ पे positive value किसकी है बताओ, positive value phi की leading की है यहाँ पे इस केस में, तो इसका मतलब ये leading आएगा. Exactly निकालने तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है. तो आप बोलोगे सर ये चीज और ये चीज बराबर है क्या, आप जरा सोचिएगा, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको. इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो बराबरी आ जाएगी. ये डेल्टा बाई टू है अगर आपको ध्यान हो, और डेल्टा को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, बहुत स्मॉल था याद है. तो अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो 90 माइनस थीटा जेड इज सेम एज फाइव, यही आएगा. अब आप बोलोगे कैसे सर, 90 माइनस थीटा जेड करोगे तो क्या फाइव आएगा क्या, जरा देखिए बताता हूं. है जी 90 माइनस थीटा जेड करोगे तो फाइव आएगा क्या, जरा देखिए बताता हूं कैसे. अब वो थोड़ा सा समझाता हूं, 90 माइनस थीटा जेड फाइव डेल्टा, या फिर आप खुद चेक करना ठीक है. ये आप, ये मुझे लगता है कि आप खुद भी कर सकते हो ठीक है, इतना आप खुद कीजिएगा बिकॉज मेरा क्लास का टाइम हो गया. आप देखिएगा 90 माइनस थीटा जेड मेरा फाइव बनेगा अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा. डेल्टा बाई टू है, ध्यान दे रहे हो, डेल्टा मेरा नेग्लिजिबल लिया था. तो अगर मैं डेल्टा को, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन आया था कब आया था बताओ, जब हमने डेल्टा को नेग्लिजिबल लिया था, तो उससे जो एक्सप्रेशन आ रहा है अब इसके बराबर नहीं है ये इसमें ये थोड़ा सा डेल्टा बाई टू एक्स्ट्रा टर्म आ गई है. अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो बन जाएगा 90 माइनस थीटा जेड ठीक है, विच इज इक्वल टू फाइव अगेन ठीक है ना, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पे. अब चेक कीजिएगा कि ये बराबर होता है कि नहीं होता है ठीक है, ये आपका होमवर्क है. बट आप देखिए कि किस तरह से हमने जीरो वोल्टेज रेगुलेशन निकाली है और किस तरह से हम मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन हम निकालते हैं इसमें ठीक है. तो दो मैंने अलग अलग आपको केस समझाए भाई, और वोल्टेज रेगुलेशन का क्या मतलब होता है वो हमने देखा. तो नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा ठीक है भाई. एंड हम नेक्स्ट लाइन जो है अपनी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन उसकी तरफ बढ़ेंगे, बट एक दो हम क्वेश्चन पहले इसके ऊपर करेंगे ठीक है. तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से मिलते हैं. थैंक यू.